सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो आज है 6 अक्टूबर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जैयाटर पुल के नीचे। वहाँ पे एक नया ड्यूक 200 आया है, मतलब कि 200 तो आप लोग देखोगे पहले भी, बट ये जो 200 जो आया है बहुत ही अलग आया है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कि 390 लें या 200, ऐसा सीन कर दिया है KTM वालों ने। तो अभी हम जा रहे हैं और वो देख सकते हो आगे। आज अर्श भाई भी साथ में जा रहे हैं अपने 390 से, और मेरे साथ अश्विन है। तो हम तीनों जा रहे हैं अभी यहाँ पे। तो अभी देख सकते हो महावीर मंदिर के पास ही हैं, बस यहाँ से 5 से 10 मिनट का रास्ता है, बस जा रहे हैं शोरूम। फाइनली गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं KTM शोरूम, जैसा कि आप सब देख सकते हो। और ये रहा द ओनली KTM ड्यूक 200 2025। तो लुक बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, ये तो आप लोगों को ऐसे तो नहीं पता चल रहा होगा, ऐसे तो नॉर्मल दिख रहा हो जैसे कि वो पुराना वाला वहाँ पे है, एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक बस डिफरेंस यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा। तो ये सीन चेक करो, पहले की इंसर्ट करते हैं इसमें, फिर आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। तो ये देखो मेन बहुत बड़ा चेंजेस, जो कि यहाँ पर TFT डिस्प्ले आ चुका है, जो कि पहले वाले में बिल्कुल नहीं है। दोनों बाइक अच्छे से आप लोगों को बता सकते हैं सारा कुछ। ये देखो तो पहले ये आता था, बट अब इतना बड़ा चेंजेज हो गया, पूरा डिस्प्ले ही नया दे दिया। और फिर यहाँ पे जितना स्विच ये सब चेंज हो चुका है। कंट्रोल ये देख सकते हो, डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए पूरा चेंज हो चुका है। और उसमें देख सकते हो पुराना वाला वही जो नॉर्मल रहता है वही है। तो यहाँ से आप लोग सब चीज़ चेंज कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि एकदम लगेगा यहाँ से तो कोई बता नहीं सकता कि 200 एकदम लगा 390 है, कन्फ्यूज़न हो जाएगा कौन सा बाइक है। बट बहुत बड़ा चेंजेस किया है KTM वालों ने, मतलब कि प्राइस ज़्यादा बढ़ा नहीं है, बट फिर भी उतना में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। यही एक मेन चेंजेस है। और बाकी ये वाला लुक बहुत लोग को पसंद नहीं आया, तो KTM ने ये भी किया कि पुराना ही लुक दिया है, और पुराने लुक पे तो बस जो जो फीचर्स आए थे वो लोड हो चुका है। और इसमें एक देख सकते हो डिसएडवांटेज कि नीचे जो है अंडरवेली नहीं है अभी यहाँ पे, देख सकते हो, बट उसमें था तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगता था। बट यहाँ पे क्या पता कंपनी बाद में देगा या फिर नहीं, ऐसे तो सही नहीं लग रहा, बहुत नीचे से खुला खुला दिख रहा है, देख सकते हो आप लोग। तो वही डिसएडवांटेज है। और बाकी आप लोग को सारा फीचर्स ये सब बताते हैं कि क्या क्या इसमें आया है, मतलब TFT डिस्प्ले। और यहाँ पे देख लो सारा कंट्रोल ये सब चीज़ 390 250 वाला आ चुका है। यहाँ से आप लोग 1000 लाइट जला सकते हो, देख सकते हो ऑन हो गया, ये देख सकते हो। तो हम लोग पहले आगे से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आगे से आप लोग देख सकते हो एक मडगार्ड जो कि पहले सेम था एज कंपेरिजन टू, ये देख सकते हो यहाँ पे पहले जो था यही है। टायर सेक्शन का बात किया जाए तो 1 10 R 70 मिलता है, मतलब कि R मतलब रेडियल टायर है, और सारा कुछ सेम है। WP का आप लोग को सस्पेंशन मिलता है यहाँ पे, और ये देख सकते हो DRL और हेडलाइट। ये हेडलाइट बहुत ज़्यादा पसंद आया था सब लोग को, अभी भी सब मेरा 390 में देख सकते हो वही है, बट ये अभी चेंज होके ये वाला आ चुका है, जो कि ये बहुत लोग को पसंद आया है, मतलब कि 100 में से 1-2% लोग को ये पसंद आता है। तो ये चीज़ अच्छा है कि यही वाला हेडलाइट इसमें छोड़ दिया गया, चेंजेस नहीं आया, अगर आता तो फिर दिक्कत होता। तो ये तो आप लोग को पता ही है कि DRL इधर देख सकते हो, और ये 3-6 आप लोगों को मिल जाता है हेडलाइट के अंदर। और बाकी आगे तो कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। और इधर से इंजन का बात किया जाए तो इंजन में भी कोई चेंजेस नहीं आया, 200 cc बस है सेम। और कलर चेंजेस आया, ये देख सकते हो ग्रे और ब्लैक मैट में, या टैंक आप लोग को ब्लैक में मैट में मिल जाता है, और ये पैनल ग्रे और कुछ ऑरेंज का थोड़ा टोन है। और ब्लैक ऑरेंज तो जान रहे हो, ड्यूक और KTM है तो ऑरेंज तो होना बनता ही है, उसके अलावा कुछ ऐसा होगा नहीं। तो गाइस अभी प्राइस का बात कर लेते हैं। तो पहले जो आता था ऑन रोड 2,34,000 का आता था ऑन रोड ये बाइक जो यहाँ पर लगा हुआ है, और ये जो है ये अब आता है 2,40,000, मात्र 6,000 का, बस 6,000 बढ़ा है कंपनी ने बढ़ाया। और उसके अलावा उसके वजह में आपको क्या क्या डिफरेंस मिलता है तो देख सकते हो, 5 इंच का TFT डिस्प्ले मिल जाता है आप लोग को, और उतना अच्छा कंट्रोल स्विच सब मिल जाता है। इधर तो चेंजेस नहीं है बट वो, और बस सीट हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब वो कम नहीं किया गया, 8.20 है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं 390 इतना है, ये थोड़ा सा कम करना चाहिए था। ड्यूक में ये 390 में ये नया वाला में उसमें कम है, ये में अच्छे से आप लोग को 5 फीट किसी का हाइट है तो आराम से चला सकते हो। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस पीछे और टायर और सारा कुछ सेम है, बस जो डिफरेंस था आप लोग को बता दिया हम, बस यही डिस्प्ले में। इसमें आप लोग को क्या क्या फीचर्स मिल जाता है ये सब भी आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो डिस्प्ले को, तो ये देख सकते हो यहाँ से मोटरसाइकिल में जाके आप लोग ABS ये सब आप ऑफ ऑन कर सकते हो,
बाकी फिर पीछे आना है तो ये बस बटन प्रेस करो, आप लोग बैक आ जाओगे, और बैक आना फिर से एक बार क्लिक करो, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो यहाँ 1000 लाइट जला रहे हैं, तो यहाँ इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, इसको बंद कर देते हैं। और बाकी यहाँ पे आपको RPM मिल जाता है, इधर बैटरी मिल जाता है, स्पीड मिल जाता है, ट्रिप वन टाइम, और ABS इंजन लाइट, और ये मोबाइल का जो मोबाइल होता है उसका लाइट मिल जाता है। तो गाइस बस यही, और आप लोग और यहाँ पे जाके अपना आप लोग सब चीज़ चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो ट्रिप का सारा कुछ डिटेल यहाँ पे आप लोग मिल जाएगा, ट्रिप वन का, आप ट्रिप टू ये सब कर सकते हो। और फिर ये नीचे जाके यहाँ पे आप सेटिंग्स फीचर्स, इसमें जितना फीचर्स आप लोग को तो बता दिए, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, यही सब है। कनेक्टिविटी है, फ़ोन से आप कनेक्ट कर सकते हो, स्विफ्ट लाइट और डेट, ये सब सारा कुछ पहले 390 और 250 में था, बट ये अब 200 में भी आ गया। और पीछे यहाँ पर टैंक का बात करते तो वही 13.5 लीटर का टैंक मिल जाता है आप लोग को, जो कि बहुत, अगर सिटी में चला रहे हो ट्रैवल भी कर रहे हो तो बहुत इनफ है, दिक्कत नहीं होता है ट्रैवल पे, बहुत बार हम भी जा चुके हैं, दिक्कत नहीं होता है। और बाकी कहीं पर आप लोग को चेंजेस नहीं मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल WP के सॉकेट्स, पीछे भी सस्पेंशन आपको रियर सस्पेंशन मिल जाते हैं, और टायर का भी पीछे का बात करें तो वही सेम है, और यहाँ पे सारी गार्ड और नॉर्मल सारा कुछ है। बहुत लोग बनाया बहुत ज़्यादा वीडियो, तो इसमें कुछ चेंजेस आया नहीं, तो झूठ मूठ का वीडियो लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो चेंजेस था वो, और प्राइस का भी बता दिया, हाँ हम बिहार का बता रहे हैं आप लोग को, ये पहले 2,36,000 में आता था और ये ऑन रोड 2,40,000 में आ रहा है, बस यही, और बाकी कोई चेंजेस नहीं है। और आप लोग बताओ ये लेना चाहिए और ये लेना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ये अब कोई लेगा नहीं, ये तो पुराना मॉडल लगता है, मैं भी कंपनी बंद भी कर देगा, अब इसी को ही चलाएगा। जिसमें एक और फीचर्स जो आप लोग को बता देते हैं, वो बहुत पहले एक बाइक में आया था, तो ये देख सकते हो दोनों इंडिकेटर चल रहा है और लाइट भी ऑन है, बट अभी हम अगर स्विच बंद भी कर देंगे ना तो ये देख सकते हो ये लाइट जलते रहेगा ऑटोमेटिक, जैसे कि मतलब कहीं रोड पर आप पार्क कर दिए हो रात वक्त में पता नहीं चल रहा, तो इसके वजह से आप कर सकते हो, ऐसे पता चलेगा अगला इंसान को कि गाड़ी लगा हुआ है। और गाइस अगर इसको आपको बंद करना है तो डायरेक्ट यहाँ से आप करोगे तो ये बंद नहीं होगा, जब तक आप किल स्विच ऑन नहीं करोगे, ऑन करने के बाद इसको बंद करोगे तो ये बंद हो जाएगा, देख सकते हो बंद हो गया। और अब इसका एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सुना देते हैं, सेम ही है बट एक और सुना देते हैं आप लोग को, ये देखो ये जो पुराना ट्यूब में आता था वही फील आ रहा है, रेप करते थोड़ा, फ्यूल नहीं है तो इसको बंद कर देते हैं। और एक और आपको इसको भी बता देते हैं, मतलब दोनों सेम बाइक बता, आप लोग देखते हैं एक चेंज है कि नहीं, और डिस्प्ले देखो क्या है, डिस्प्ले तो इसको बोलेंगे नहीं, पहले ऐसा आता था और डायरेक्ट ऐसा चेंजेस हो गया, मात्र 6,000 का प्राइस डिफरेंस में, सेम ही है लगभग, ज़्यादा कोई डिस्प्ले वो नहीं है। और गाइस एक और आप लोग के लिए है, मतलब आप लोग अगर इसको बुक कराओगे तो आप लोग को मिलता है एक नया स्मार्ट वॉच, और बुकिंग अमाउंट है इसका 5,000। तो स्मार्ट वॉच कौन सा आपको दिखाते हैं, तो देख सकते हो ये स्मार्ट वॉच आप लोग को मिलेगा अगर बुकिंग कराओगे तो, ये बिहार में है, मतलब बिहार का वीडियो है, तो अगर बाकी का पता नहीं बट बिहार में अगर आप बुक कराते हो तो ये मिलता है आप लोग को स्मार्ट वॉच, जो कि अच्छा है, प्रीमियम है। तो बाकी सारा कुछ तो आप लोग को बता दिए, और पीछे से एक और दिखा देते हैं आप लोग को लुक, देखो तो बस नॉर्मल सेम है जो पहले आता था। तो चलो अब मिलते हैं आगे।